गुना के शीतला माता क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 में इन दिनों नलों से दूषित पानी का वितरण किया जा रहा है। नलों से मिलने वाले पानी का कलर लाल है। पेयजल के लिए वार्डवासी इधर उधर भटक रहे हैं। वार्डवासियों की समस्या की जानकारी लगते ही चांचोड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह वार्ड क्रमांक 12 में पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में नगर पालिका को आड़े हाथों लेते हुए लाल पानी सप्लाई को तत्काल रोकने और साफ स्वच्छ पानी की सप्लाई की बात कही। साथ ऐसा नहीं करने पर न्यायालय के शरण में जाने की चेतावनी भी दी। मैं आया था गुना किसी निजी काम से और रास्ते में मेरे साथियों ने मुझे ये वीडियो दिखाया कि लाल पानी सप्लाई हो रहा है पेयजल के नाम पर। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया कि इतनी खराब हालत भी हो सकती है। फिर हम लोग यहाँ सब लोग आए देखने और वाकई हमने देखा और हमारी बहनें बता रही हैं कि तो कई वर्षों से इस तरह का पेयजल का पानी आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है। 12-13 साल से आ रहा सरकार के पानी। अब ये देखिए आपकी इसका ये लाल क्यों हो रहा है, क्या कारण है? या तो फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा इसमें बढ़ गई है कि वो पानी लाल हो रहा है, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है, क्योंकि इसकी जाँच होना चाहिए। और ये अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो इसका असर बच्चों पर बहुत खराब पड़ता है, इससे विकलांगता होती है, ज्यादा करके बच्चे विकलांग हो जाते हैं और ये इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और पेयजल का और भोजन का अधिकार ये कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो उन्होंने कानून बना के दिया है, राइट टू फूड, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, ये हमने बना के दिया है कानून। उस कानून के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग अदालत में जाएंगे, अदालत से नहीं। ये पूरे मध्य प्रदेश में हालत है कि पैसा फेंक कर, पैसा देकर और छोटा मोटा नहीं अरबों करबों करोड़ों रुपया खर्च करके और एक स्टेटस सिंबल बना रखा है कि नगर पालिका के हम अध्यक्ष बन गए, नगर पालिका के ये बन गए, कैसे ही बन गए साहब, हमने बहुत बड़ा अरे पद हासिल किया तो काम भी तो करो। अगर तुमने पद हासिल किया है तो काम करो, काम नहीं करना। लाल पानी पिए जनता, लेकिन हम साहब नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। अरे क्या सोच है, घटिया किस्म की सोच। काम करना चाहिए, काम से इंसान की पहचान होती है। इस तरह कोई धन दौलत से या पैदाइशी किसी की पहचान नहीं होती है, काम से होती। तो काम करे और जनता जवाब मांगेगी। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।